हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जावेद अंसारी और आप सभी का स्वागत है सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि अगर आप दोस्तों BHU में CHS के लिए एडमिशन के लिए अगर आप फॉर्म फिल किए थे तो उसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है एंट्रेंस के लिए, तो आप लोग को कैसे उसका एडमिट कार्ड चेक करना है, डाउनलोड करना है और आप अपना एंट्रेंस कब है, कैसे आप उसके द्वारा आप जान सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि कैसे इसको चेक करना है, तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको कैसे चेक करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है sarkaririzult.com, ये वेबसाइट है। वेबसाइट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बनारस, तो यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे आना है बिल्कुल। आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों एडमिट कार्ड, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये BHU का ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है जहाँ पे आप एडमिट कार्ड इसका डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों डाउनलोड प्रोविजनल एडमिट कार्ड सेट 2019, ठीक है। तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च में आपको ईमेल आईडी के द्वारा आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप अपने रजिस्ट्रेशन के द्वारा। दोस्तों अगर आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस समय दोस्तों आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ होगा। अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ होगा और उस फॉर्म को सबमिट करते समय आपको दोस्तों ईमेल आईडी एक एंट्री करनी पड़ी होगी उस समय। तो दोस्तों वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर, अगर आप ईमेल आईडी के द्वारा इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना है और यहाँ सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको दोस्तों ईमेल आईडी आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनमें से दोनों में से किसी एक के द्वारा आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों बॉक्स में आपको नहीं लिखना है, सिर्फ एक में लिखना है। चाहे ईमेल आईडी लिख के आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों मेरे पास कोई ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, नहीं मैं आप लोग को लाइव दिखाता कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। वैसे मैंने बता दिया दोस्तों आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है और जो ये लिंक है दोस्तों ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आके डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगी डाउनलोड करने में तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके सवाल का जवाब तुरंत देंगे। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।